खरगोन जिले की मेनगांव थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। 12 जून को खरगोन कोर्ट में शादी करने पहुंचे दूल्हे और बारात को लुटेरी दुल्हन ने विवाह के पूर्व 1,10,000 रुपए की चपत लगाई थी। दूल्हा बारात लेकर न्यायालय पहुंच गया, लेकिन सराफे से सामान खरीदने के नाम पर खरगोन शहर से 2 किलोमीटर पहले मेनगांव थाना क्षेत्र में 1,00,000 रुपए लेकर लुटेरी दुल्हन ममता और मुख्य आरोपी लंकेश और सुरेश फरार हो गए थे। परेशान दुल्हा और बारात पुलिस थाने पहुंच गए थे। मेनगांव पुलिस ने धामनोद थाने के डोल निवासी दुल्हा रामेश्वर वानखेड़े और बाराती राहुल जितेंद्र की शिकायत पर धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मेनगांव पुलिस ने लुटेरी दुल्हन ममता और मुख्य आरोपी लंकेश और सुरेश को मेनगांव थाने के अजावत गांव से गिरफ्तार किया। आज देर शाम पुलिस ने जिसे न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने लुटेरी दुल्हन को 1 दिन और दोनों आरोपी लंकेश और सुरेश को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अब 12 तारीख जून को मेनगांव थाने में कंप्लेंट आया था। आफ्टरनून के टाइम पे रामेश्वर पिता कैलाश करके एक बंदा आया था और उनके साथ इनका रिश्तेदार भी आया था, जितेंद्र और राहुल करके। इन्होंने शादी के मामले में एक इन्होंने पूरा अग्रीमेंट किए थे शादी का। उस समय इन्होंने 1,10,000 रुपये इन्होंने दुल्हन को दिया था एडवांस करके। 1,10,000 रुपये तेमला रोड पे इन्होंने 12 तारीख को इन्होंने 1,10,000 रुपये दिए थे और इन्होंने बताया था शादी करने के लिए हम कोर्ट जाएंगे, आप भी डायरेक्ट कोर्ट आइए, हम थोड़ा सा सोना वगैरह खरीद के कोर्ट आते करके दुल्हन के साइड के लोगों ने इनको बताया था। पर इन्होंने कोर्ट आते ये लोग, पर कोर्ट आने के बाद ये लोग दुल्हन के साइड के लोग आए नहीं उस समय और इन्होंने बहुत देर तक वेट किया, फिर भी नहीं आया उस समय। उसके बाद इन्होंने राहुल रामेश्वर जितेंद्र और राहुल ये तीनों लोग आके मेनगांव थाने में कंप्लेंट दिया दुल्हन और इनके साथियों के ऊपर। हमने इसके बाद उसके हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको पता चला लंकेश और सुरेश, लंकेश मेन आरोपी है, उनके साथी सुरेश है और वो लड़की का नाम दुल्हन, लुटेरी लुटेरा उनका नाम है ममता, उन्होंने कंप्लेंट में यही नाम दिया था ममता। हमने साइबर टीम के सहयोग के साथ हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हमको ये पता चला 18 तारीख को मेनगांव के एक गांव है, आसपास का गांव है अजावा करके, ये लंकेश के रिश्तेदार वहां पे रहते हैं। उसमें हमने सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चले तीनों लोग लंकेश सुरेश और ममता, ममता का नाम है ओरिजिनल नाम है प्रीति, ये तीनों लोग उधर ही रह रहे थे। 18 तारीख को हमने सारे मेनगांव के सारे टीम और साइबर टीम के सहयोग के साथ उनको हमने 18 तारीख को पकड़ लिया तीनों लोगों को। और उसके बाद हमने आज मॉर्निंग उनका पुलिस रिमांड ले लिया, लड़की का वो लुटेरी दुल्हन का प्रीति का हमने 1 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया और दोनों बचे हुए लंकेश और सुरेश इन दोनों का हमने 2 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया और इनका पूछताछ चल रहा है। अभी वो दो हमने रिमांड ले लिया 2 दिन का, अभी इंक्वायरी चल रहा है, हमने पूछताछ कर रहे हैं, उसके ऊपर हमको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल। कोई खुलासा हो सकते हैं अभी देख लेते हैं, अभी 2 दिन हमने कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद हमको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको हम इन्फॉर्म कर लेंगे। क्या नाम लिखते हैं सर पूरा? आनंद कलादगी, ASP करूँ, IPS प्रोबेशनर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।